भारतीय टीम का विश्व कप 2023 में अब तक का सफर शानदार रहा है। टीम अब तक इस विश्व कप में अजय रही है और आगे एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर सकती है। तो आइए वीडियो के जरिए आपको बताते हैं कि भारत कौन से रिकॉर्ड की तरफ कदम बढ़ा रहा है। भारतीय टीम इस विश्व कप में लगातार 8 में से 8 मुकाबले को जीत चुकी है और हो सकता है कि अपने बचे हुए एकमात्र मुकाबला नीदरलैंड के खिलाफ उसे भी जीत जाए। दोनों देश के बीच का मुकाबला 12 नवंबर को दिवाली के दिन खेला जाएगा। वहीं भारतीय टीम अगर उस मुकाबले को जीत लेता है तो फिर भारतीय टीम विश्व कप में रिकॉर्ड बना लेगी। वहीं भारतीय टीम 2023 विश्व कप से पहले 2003 में लगातार 8 मुकाबले जीती थी, लेकिन 2003 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल मुकाबले में भारत को 125 रन से हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद टीम के जीत का सिलसिला भी टूट गया था और भारत विश्व कप में भी हार गई। 2003 में भारत ने पहला मुकाबला नीदरलैंड के खिलाफ जीता था, उसके बाद इस टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। जीत की पटरी पर लौटी पहला मुकाबला जिम्बाब्वे के खिलाफ, फिर नामीबिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, केनिया, श्रीलंका, न्यूजीलैंड को लीग स्टेज में हराया था। उसका सेमीफाइनल में पहुंची केनिया की टीम को भारत ने हराया। वहीं 2023 विश्व कप की बात करें तो भारत ने इस बार जीत का अभियान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही शुरू किया है। इसके बाद अफगानिस्तान को हराया, फिर पाकिस्तान, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, श्रीलंका और अंतिम में दक्षिण अफ्रीका को हराया। कुल मिलाकर भारतीय टीम 8 मुकाबले जीत चुकी है और लीग राउंड का अंतिम मुकाबला भारत को नीदरलैंड के खिलाफ खेलना है, जहां पूरी उम्मीद है कि भारतीय टीम जीत हासिल कर लेगी। वहीं भारतीय टीम अगर उस मुकाबले को जीत लेगी तो फिर यह इतिहास बन जाएगा कि भारत विश्व कप में लगातार 9 मुकाबला जीत गया। वहीं भारतीय टीम आसानी से अपनी जगह सेमीफाइनल बना ली है, तो हो सकता है कि भारतीय टीम 9 के बाद और भी मुकाबले को जीत ले और विश्व चैंपियन। 2003 में भारतीय टीम भले ही लगातार 8 मुकाबले में जीत, तो अब देखने वाली बात होगी कि भारतीय टीम आगे कैसा खेलती है। वहीं अंक तालिका में भारतीय टीम इस वक्त टॉप पर, हालांकि लगातार सबसे ज्यादा विश्व कप मुकाबला जीतने के मामले में ऑस्ट्रेलिया पहले 2 स्थान पर है, जब यह टीम 2003 और 2007 में लगातार 11-11 मुकाबले जीती। वहीं तीसरे स्थान पर भारत है और हो सकता है कि भारत अपने ही 2003 के रिकॉर्ड को तोड़ दे। वहीं अगर भारत अगर लगातार 11 मुकाबले जीत लेता है तो फिर टीम 2023 की विश्व चैंपियन भी बन जाएगी। तो अब देखने वाली बात होगी कि भारत लगातार 11 मुकाबले जीत पाता है या फिर नहीं। वहीं भारतीय टीम इस बार विश्व कप जीत रहा है या नहीं, ये हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बाकी क्रिकेट से जुड़ी ऐसी और भी अपडेट को जानने के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी।